तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आई थी आज जो इंद्रलोक मार्केट, यहाँ पे लगती है थर्सडे पटरी मार्केट। बहुत अच्छी मार्केट है। तो बस मैं यहाँ से अपने मेट्रो से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे गेट नंबर 5 है, तो आपको यहीं से ही बाहर निकलना है। सारी इंद्रलोक की जो मार्केट लगती है थर्सडे को, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो जैसे स्टेयर से आप नीचे उतरते हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक भैया का एक स्टॉल दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सूट के जो कपड़े थे जो कि सिर्फ 100 100 रुपीज़ में थे। सो देखिए, ये बिल्कुल प्योर कॉटन था और इसमें गोल्डन कलर का वर्क था जो कि बहुत अच्छा था। इसको चुटाने पे छूटने वाला भी नहीं था, ऐसा नहीं था कुछ भी, और जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का था। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, सारे कलर थे। ये देखिए, इस टाइप के धागे में भी ये था। तो बहुत सारा इनके पास में अच्छा कलेक्शन था। फिर वहाँ पे जैसे ही जीने से उतरते हैं, आप स्टेयर से उतरते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जो आपको इस तरीके का सारा सामान मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आके ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ मुझसे शॉप नंबर पूछें या कुछ पैसे, ऐसा नहीं कुछ भी है। यहाँ पे जो हर थर्सडे को ये मार्केट लगती है, तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टेयर से नीचे उतरते हो तो यहाँ पे एक सूट वाले भैया के एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे ये सूट मिल रहे थे, नायरा कट वाले, और इसके साथ में प्लाजो भी था। सो ये सिर्फ 300 रुपये में मिल रहा था और इसमें बहुत सारे कलर थे, बहुत सारी वैरायटी अच्छी अच्छी थी। ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ये देखिए पीच कलर है, ब्राउन कलर भी है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी थी। तो ये सिर्फ 300 रुपये का था। और जैसे ही आप स्टेयर से नीचे उतरते हो तो आपको यहाँ पे ये स्टॉल या हर थर्सडे को लगा के रखते हैं, तो आपको ये मिल जाएगी। मैंने उनसे पूछा था तो ये बोले थे कि मैं यहाँ पे हर थर्सडे को ये लगाता हूँ स्टॉल। ये देखिए, स्टेयर के पास में ही है। फिर इसके आगे ही जस्ट सामने, स्टेयर के जस्ट सामने ही एक स्टॉल लगता है। तो यहाँ पे ये दुपट्टे मिल रहे थे, बहुत छोटी छोटी सी पतली वाली चुन्नी जो होती हैं, जो कि आप लहंगे वगैरह पे डाल सकते हो। तो ये सिर्फ 10 10 रुपए में चुन्नियाँ मिल रही थी, सिर्फ 10 रुपीज़। आजकल तो 10 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलता है। एक बच्चे की टॉफ़ी, लॉलीपॉप, चॉकलेट मिल जाती है, वो भी बहुत छोटी सी, और यहाँ पे 10 रुपीज़ के दुपट्टे मिल रहे थे। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, पिंक कलर, ग्रीन, स्काई ब्लू, यानी कि सिल्वर, हर तरीके के कलर थे। आपको जो कलर चाहिए आपको सब कलर मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही माल ख़त्म होता है तो न्यू माल आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको माल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हर थर्सडे को नया नया माल आता रहता है जैसा जैसा वहाँ पर होता है। तो ये देखिए कि आंटी जी यहाँ पे दुपट्टा देख रही थी, देखिए कितना अच्छा लेंथ भी है इसकी, कितनी अच्छी चौड़ाई है, और बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि बेकार दुपट्टे होंगे, कहीं से कटे हैं कुछ है। हाँ, कोई कोई से दुपट्टे हो सकते हैं कि जो थोड़े से डिफेक्टेड हो, बट मोस्टली सारी चीज़ें ही इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सिर्फ दुपट्टे 10 रुपए में मिल रहे थे यहाँ पे। फिर इसके आगे ही बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी। ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल रहे थे, और जो थोड़े कि जो उससे भी कॉस्टली थे, जैसे वो 10 रुपये में थे तो ये 50 रुपीज़ के थे, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिलर था और यहाँ पे भैया ने लगा रखे थे दुपट्टे। तो ये सारे दुपट्टे 50 50 रुपीज़ में थे, जिसकी लेंथ थी 2.5 मीटर। ये देखिए, ये पूरी 2.5 मीटर इसकी लेंथ है और चौड़ाई भी काफ़ी है। जो बड़ी लेडीज़ वगैरह या बड़ी गर्ल्स वगैरह होती हैं तो उनके हिसाब से ये देखिए पूरा ही, इसमें पूरा लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छे से दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। सिर्फ 50 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ पर पीस ये था। तो इनके यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप खुद जिस कलर का भी चाहिए, जिस डिज़ाइन में चाहिए, वो सारे ही दुपट्टे इन भैया के यहाँ पे मिल रहे थे। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा पिलर है, तो वो यहाँ पर ये शॉप लगा थे। जैसे ही आप स्टेयर से उतरोगे तो बस 2 3 शॉप छोड़ के ही ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा पिलर है, तो यहाँ पे शॉप लगी है। फिर इनके ही जस्ट सामने ही एक यहाँ पे भैया ने स्टॉल लगा रखा था। तो यहाँ पे ये मिल रहा था कपड़ा, जो कि ये सिर्फ 30 रुपये मीटर था। 30 रुपये मीटर, कोई सा भी इसमें कपड़ा लेते हो आप तो सारे ही 30 रुपये मीटर थे। अगर आपको बच्चों के लिए कुछ बनाना है या अपने लिए कुछ बनाना है, लहंगा हो गया, ब्लाउज हो गया, कुछ भी एनीथिंग, कुछ प्लान कर रहे हो, अभी अभी नवरात्रे आने वाली हैं और करवा चौथ भी आने वाला, तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसको सोचते हुए अगर आप यहाँ से लेके जाते हो कपड़े और अपने लिए कुछ बनवाना चाहते हो तो आप आराम से बनवा सकते हो। क्योंकि जो कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे 30 रुपये मीटर, अगर वही आप मार्केट में जाते हो तो 100 रुपीज़ मीटर या 120 रुपीज़ मीटर ही मिलता है। और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े बेकार हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बेकार है, ऐसा नहीं, बहुत सारे यहाँ पे माल होता है।
तो थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा उलझ जाता है, लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पिंक कलर के ये आंटी ने लिया था 4 मीटर का कपड़ा, उनको अपनी बेटी के लिए लहंगा बनवाना था। और मैंने भी यहाँ से लिया था, मैंने लिया था ग्रे कलर का। ये देखिए सूट है, जो कि 200 रुपये का सूट था पूरा, इसमें कुर्ता और ये सलवार भी था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, और 4 मीटर 6 मीटर जैसे भी जिसको जो चीज़ लेनी थी तो वो आराम से यहाँ से ले रहे थे। यहाँ पे देखिए सारे कलर हैं, नेट में भी थे, सिल्क में भी थे, जैसा भी आप चाहोगे उस हिसाब से यहाँ पे सारे कपड़े मिल रहे थे। सिर्फ 30 रुपये मीटर, अगर आप ज़्यादा लेते हो 4 मीटर तो ये 25 रुपये मीटर भी दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर लेते हो तो ये 30 रुपये मीटर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक साड़ी का भी स्टॉल था इनके जस्ट सामने ही। तो ये साड़ियाँ सिल्क में थी, तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, और ये सिर्फ 550 रुपये में थी। आप यहाँ से कोई भी साड़ी परचेस करते हो तो ये साड़ियाँ सिर्फ 550 रुपये में थी। तो ये भैया अभी यहाँ पे हर थर्सडे को यहाँ पे ये लगाते हैं स्टॉल। तो जो भैया की जैसे ही आप स्टेयर से नीचे उतरते हो तो वहाँ पे जस्ट सामने तो आपको मैंने दिखाई थी जो कि दुपट्टे वाली शॉप थी, जो 10-10 रुपये के मिल रहे थे, और उनके ही बगल में ये साड़ी वाली शॉप है। तो ये देखिए सिर्फ 500 रुपये की साड़ी है सिल्क में, और बहुत प्यारी साड़ी थी, ये ग्रे कलर में थी, और इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा था, पूरी इसकी पूरी फुल लेंथ थी ये देखिए। तो ये बहुत यहाँ पे सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। फिर यहाँ पे ये लेसेस मिल रही थी, जो कि ये लेसेस सिर्फ 10-10 रुपये मीटर मिल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक देखिए आंटी उनसे छीन रही हैं, क्योंकि इनको पूरा ही बंडल चाहिए था इस लेस का, तो इन वो उनको भी चाहिए था और इनको भी चाहिए था। ये बेचारी दुखी हो गई क्योंकि उनको ये मिल नहीं पाया, उन्होंने वो सारा ही लेसेस ले लिया, तो 10 रुपये मीटर मिल रहा था। तो बहुत यहाँ पे लोग आते हैं जो 10 मीटर 40 मीटर 50 मीटर जिनका अपना बुटीक है, या अपने सिलाई करते हैं या कुछ अपने लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा सामान लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए सूट मिल रहे थे 600 रुपये 300 रुपये 400 रुपये, हर तरीके के सूट हैं। तो ये कपड़ा जो है ये वाला, ये जो 1 मीटर था यहाँ पे बचा हुआ इनके पास में, सारा बिक चुका था, जो कि 150 रुपये मीटर दे रहे थे ये। फिर यही भैया ने 100 रुपये मीटर दे दिया था एक लोगों को, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैग के कलेक्शन में थे, ये देखिए बैग का कलेक्शन बन गया, जो कि यहाँ पे 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये के हिसाब से मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बैग का भी कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा था, ये देखिए कितना प्यारा बैग है ये। सॉरी एक्चुअली इस टाइम वीडियो ठीक से बन नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे हाथ में सामान भी था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये यहाँ पे साड़ियाँ हैं, जो कि ये साड़ियाँ सिर्फ यहाँ पे 150 रुपीज़ में थी, जो कि आपको वहीं पे दिख जाएंगी। आप जैसे ही इंद्र लोग मार्केट से नीचे उतरते हो तो यहाँ पे आपको जो जो मैं आपको सामान दिखा रही हूँ वो सारा ही यहाँ पे वो सारा ही सामान मिल जाएगा। ये बच्चों के कपड़े थे जिसमें कि इसमें पैंट भी थी, ऊपर टी शर्ट भी थी, ये सिर्फ 100-100 रुपीज़ में मिल रहे थे, बहुत प्यारा प्यारा। और फिर इसके ही आगे आते ये फिर से कपड़े मिलने लगे थे, ये भी सारे 30-30 रुपये मीटर थे। ये येलो रंग का बहुत अच्छा कपड़ा था, इसमें देखिए सारा थ्रेड का वर्क था, एकदम लंबी लंबी सी लाइनें थी। ये देखिए कितना प्यारा कपड़ा है, तो ये ग्रे कलर में था, जो कि हल्का सा सिल्क टच में था। तो ये भी सिर्फ 30 रुपये मीटर था, 30 रुपीज़ मीटर। सो मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा लेते हैं तो थोड़े पैसे कम हो आते हैं, और अगर थोड़ा लेते हैं, अगर आपकी बुटीक वगैरह है तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर है। फिर यहाँ पे सोफ़े कवर वगैरह मिल रहे थे, जो कि सोफ़े कवर और जो यहाँ पे जो होते हैं ना कुशन कवर वगैरह, तो ये सिर्फ 20-20 रुपीज़ में मिल रहे थे कुशन कवर, और ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कपड़ा भी इनका था। ये देखिए सारे इनके यहाँ ये बहुत अच्छे अच्छे खड़े हुए हैं कुशन कवर, जो कि सिर्फ 20 रुपीज़ में थे। फिर यहाँ पे दोबारा से आ गए थे कपड़े, तो ये थी जो अस्तर होते हैं, तो ये था सिर्फ 10 रुपये मीटर अस्तर, सोया मिल रहा था। फिर यहाँ पे एक स्लीपर की दुकान थी भैया की, तो यहाँ पे ये भैया स्लीपर्स दे रहे थे। देखिए कितनी प्यारी प्यारी स्लीपर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्लीपर है। ये देखिए जूतियाँ भी हैं, और ये थोड़े से घुंघरू वाली, ये देखिए पिंक कलर के भैया से मैंने देखी थी टैडी वाली। तो ये जितने भी स्लीपर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सारी स्लीपर सिर्फ 100 रुपीज़ में थी। तो इनके पास में बहुत अच्छा स्लीपर का कलेक्शन मिल रहा था, बहुत ही प्यारा था, डिफरेंट डिफरेंट। तो इनकी इनका भी जो शॉप थी वो भी बहुत अच्छी थी। फिर इसके आगे ही यहाँ पे एक जीन्स वाले की भैया की शॉप थी, जहाँ पे इनके पास में जो शॉर्ट हो गई, मिडी हो गई, स्कर्ट हो गई, जीन्स हो गई, तो ये सारे ही चीज़ें भैया 50-50 रुपीज़ में दे रहे थे। इनके पास में दो वैरायटी थी, एक 50 रुपीज़ वाली थी और एक 100 रुपीज़ वाली थी। अगर ये नॉर्मल आपके जो घर के पास में मार्केट लगती है, अगर यही चीज़ आप मार्केट से अपने उधर से लेते हो, तो
तो ये 200-200 रुपये में मिलता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी मार्केट लगती है तो वहाँ पे 200-200 मिलते हैं। फिर यहाँ पे भैया के सूट के स्टॉल थे, बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, तो मैं एक ही सूट का इनके यहाँ पे ले पाई हूँ, कवर कर पाई हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा के बैठे थे, तो मैं आपको उन भैया की फेस दिखाऊंगी कि ये भैया कौन है। जैसे आप नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये भैया की शॉप की है। तो ये भैया जिन्हें शॉप लगाई थी सूट की, तो यहाँ पे 750, 650, 550 तक के सूट थे। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे थे, सो आपको मार्केट की जो रेंज से बहुत सस्ते यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ले रहे थे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे सारे ही थे, अखरोट, बादाम, काजू, सब कुछ था यहाँ पर। फिर यहाँ पे एक आंटी ने, एक अंकल ने यहाँ पे लगा रखे थे गॉगल्स, जो कि यहाँ पे 20-20 रुपये में थे, और इसके साथ में बॉक्स भी दे रहे थे। सबसे अच्छी बात है कि गॉगल्स के साथ में ये बॉक्स भी दे रहे थे, यानी कि अगर आप लेते हो तो आराम से इसमें पैक करके रख सकते हो। अगर ये लोग क्या होते हैं, बहुत जगह जाते हो तो आपको वो पन्नी में देते हैं या एक रैपिंग पेपर में देते हैं, तो टूटने का डर रहता है, बट इस बॉक्स में नहीं रहता है। आप यहाँ से एक लेते हो तो 20 रुपये का, दो लेते हो तो 40 रुपये का, और दोनों में ही बॉक्स मिलेगा। तो इनके यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन था ये जो बॉक्स का। तो ये कि आंटी अंकल बैठे हैं, तो यही आंटी अंकल ये जो हर थर्सडे को यहाँ पर ये लगाते हैं मार्केट में लगाते हैं गोवल्स के। तो आप यहाँ पे जो आते हैं तो ये आपको हमेशा मिलेंगे थर्सडे को। सो फिर यहाँ पे, फिर इसके आगे ही एक भैया ने सूट का स्टॉल लगा रखा था, जो कि ये सिर्फ यहाँ पे थी। ये बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी, जो कि ये भैया कुर्ती 150 रुपीज़ की, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ बेच रहे थे। ये सिर्फ 150 रुपीज़ में थी, और इसमें कॉटन में भी थी, सिल्क में भी थी, और रियान में भी कुर्तियाँ थी। तो आपको जो कपड़ा भी अच्छा लगता है आप यहाँ से ले सकते हो, और सारे कलर देते हैं। कितनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ हैं, और सिर्फ 150 रुपीज़ में हैं। तो 150 रुपीज़ में तो आप बता ही सकते हो कि बिल्कुल कुर्तियाँ नहीं मिलती, और यहाँ पे 150 रुपीज़ में थी। ये तो सिर्फ मैंने आपको बहुत थोड़ी ही दिखाई हैं, और लेकिन यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ और भी लगी हुई थी। सो ये भैया की मैं आपको फेस दिखाऊँगी, जो कि आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी शॉप है। सो ये भैया की का फेस था जिनके यहाँ शॉप थी। फिर इनके ही आगे चलते ही मुझे एक स्टॉल दिखा था नीचे जमीन पे, अंकल ने लगा रखा था। मैं उनका भी फेस दिखाऊंगी कि आप नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आते हो तो आप इनको ढूंढ के आप फेस से पहचान सकते हो कि इन भैया का शॉप है। तो ये जितने भी बटन्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे ये लेसेस वगैरह जो कुछ मिल रहा है, ये सिर्फ 10-10 रुपीज में है। अगर आपका बुटीक है, या आप अपने आप सिलाई करते हो, या आप अपना कुछ सिलाना चाहते हो, कुछ हो, कुछ सोच रहे हो डिजाइन करने के लिए, अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हो, आपको बटन वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ये देखिए लेसेस वगैरह हैं, तो ये सिर्फ 10-10 रुपए के पैकेट हैं, ये सारे ही पैकेट 10 रुपए में थे। तो देख सकते कितना सस्ता था, और बहुत ही प्यारा प्यारा। ये देखिए ये स्टिकर हैं स्टोन्स वाले जैसे होते ना, तो बहुत अच्छे अच्छे थे। यहाँ बटन्स भी थी, ये देखिए मोती छोटे छोटे 10-10 रुपए में थे। तो यहाँ पे सारा कलेक्शन था, और ये जो यहाँ पे जो एक था ग्लू था, एकदम मेहंदी का जैसा कोन होता है उस तरीके का, जो कि ये भी 10 रुपये में था, और जो कि आप किसी भी सूती कपड़े में, कॉटन का कपड़ा हो, सिल्क का कपड़ा हो, तो आप उसमें आराम से लगा सकते हो, फिर वो छूटता नहीं। तो ये भैया थे जिनकी ये शॉप थी, और ये इस जो ऑफिस है इसके जस्ट सामने ही इनकी शॉप थी। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, ये जो यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो इनके ही जस्ट सामने ही इनकी शॉप थी, और ये बहुत अच्छी शॉप है। फिर इनके ही बगल में ये, अभी थोड़ा सा ठंडियों का सीज़न भी आने वाला है, तो यहाँ पे स्वेटर वगैरह का भी मिल रहा था कलेक्शन, जो कि 50-50 रुपीज़ में स्वेटर मिल रहे थे। और यहाँ पे ये जो माल मिल रहा था, जैसे कि जो एक्सपोर्ट होता है माल है, जैसे बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं, फैक्ट्री होती है जो बनवाते हैं, तो उनका माल जो बच जाता है तो वो यहाँ पर ला के बेच दिया था बहुत ही सस्ते रेट में। ऐसा नहीं होता कि आपको बेकार सा माल दिया जाएगा, तो यहाँ पर अच्छा माल है। फिर यहाँ पे ये एक जो पौधान वगैरह थे, जो कि आप बाथरूम में अपने डाल सकते हो, क्योंकि ये स्लिप नहीं करते हैं, और जो कि ये थे पौधान, ये 100 रुपीज़ में दो पौधान मिल रहे थे। और देखिए कितना प्यारा कलर है, मल्टी कलर में मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छे अच्छे पौधान है बहुत, और इसकी जो लेंथ भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इसका मतलब साइज़ था, तो ये बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये मिल रहे थे पौधान। तो आप यहाँ पर पौधान भी देख सकते हो। फिर इसके आगे एक भैया का स्टॉल और भी लगा हुआ था, नेक्स्ट शॉप जो थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लेसेस मिल रही थी। जो ये सारी दिख रही हैं आपको, ये थी सिर्फ 10 रुपये में पूरा पैकेट, और ये वाली जो थी ये थी 20 रुपये में पैकेट। तो देखिए कितना प्यारा है ये लेस का,
अगर आपका बुटीक है या अपना खुद पर्सनल सिलाई करते हो या अपने सिलवाना चाहते हो डिज़ाइन करके कुछ, तो आप यहाँ से आके सामान ले सकते हो। कपड़े वगैरह हो गए या लेसेस हो गई, मोती हो गया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ के आपको। तो ये बहुत अच्छा मुझे ये मार्केट लगी थी अपना पर्सनल को सामान लेने के उस हिसाब से। तो ये बिल्कुल जैसे ही किनारी बाज़ार लगती है उस टाइप की शॉप होती है। फिर यहाँ पे भैया की शॉप थी जहाँ पे जीन्स मिल रही थी, जो कि ये सिर्फ 100 रुपीज़ में जीन्स थी, और जीन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी थी। ये देखिए ब्लू कलर की, ये देखिए इसमें टैग भी लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये लोकल है, किसी ने पहन के दे दी और ये लोग बेच रहे। लोग कहते हैं ना कि जो पहनी पहनाई जीन्स हैं ये और ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं, तो जैसे वहाँ पे जो फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे ज़्यादा माल बल जाता है, तो अब उससे क्या करें माल को, तो वो निकालना ही है फैक्ट्री में। तो जहाँ पे ये शोरूम वगैरह पे जाते तो वहाँ पे तो उनके 100 पीस की जो क्वांटिटी होगी, अगर उन्होंने 120 बना लिए तो 20 पीस तो बच गए ना, तो वो वही ला के यहाँ पे बेच देते हैं 100-100 रुपये में। तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे एक भैया की शॉप दिखी थी जहाँ पे बर्तन मिल रहे थे। ये देखिए आपको मैंने पहले चम्मच दिखाई थी, तो ये भगवान जी के लिए थी 20 रुपये की। ये देखिए छोटी सी गिलास भी 20 रुपये की, ये कटोरी भी 20 रुपये की। तो ये सारे ही भगवान जी के बर्तन थे, तो बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे। तो मैंने इनसे बहुत सारा सामान लिया था बच्चों के लिए, और छोटा सा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बर्तन थे, तो ये कंचुल भी थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मैंने यहाँ से भगवान की एक चम्मच ली थी और एक छोटी सी ग्लास ली थी, तो उन्होंने मुझे 30 रुपीज़ में दे दिया था, जो कि वो बोल रहे थे 40 रुपीज़ का, बट फिर उन्होंने 30 रुपीज़ में मान गए थे। तो यहाँ पे बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, क्योंकि ये यहाँ पे जो पटरी बाजार है ये सिर्फ थर्सडे को लगती है। तो मैं बस यहाँ पे आपको जो जीने से उतरते स्टेयर से उतरते ही जो पूरी थर्सडे पटरी मार्केट है मैंने आपको वो दिखाई थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अंदर जो मार्केट लगती है, गलियों में मार्केट लगती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो आपको यहाँ पे आके पटरी बाजार में सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक टाटा बाय बाय।